सो ऑलराइट गाइस, आप लोगों में से सभी लोगों को पता है कि फ्री फायर के अंदर OB45 को यहाँ पर से अपडेट आने वाला है। और ओबी का जब भी यहाँ पर से अपडेट आता था, अपडेट के बाद आप लोगों को फ्री फायर के अंदर बहुत सारा चेंजेस मिलता है और साथ ही साथ बहुत सारा इवेंट मिलता है। और बहुत सारा ऐसा इवेंट होता है जिसमें से हम लोग जो आइटम होता है वो रिटर्निंग आइटम होता है, मतलब उससे पहले भी वो आइटम आ रखा है, रिटर्निंग आइटम यहाँ पर से होता है। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले 3-4 ऐसे आइटम्स जो कि फ्री फायर के अंदर गाइस रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। कुछ आइटम्स आप लोगों को अपडेट से पहले मिलेगा एंड कुछ आइटम्स आप लोगों को अपडेट के बाद मिलेगा, लेकिन ये एक सिंपल अपडेट है गाइस, लेकिन इसका जो सेक्शन होगा कुछ अलग टाइप से होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बता दें मेरे भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिएगा मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। एंड गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक लीक एंड अपडेट है, तो इसमें से कुछ आइटम हो सकता नहीं भी आए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर से आप देख पाए यूनिकॉर्न OAK, आप लोग पता होगा कि ये यूनिकॉर्न AK स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग था, अभी तो ईवो आ चुका है तो इसका यहाँ पर कोई मार्केटिंग नहीं है। और ये रिटर्न पे बहुत दिन से नहीं आया गाइस, बीच में एक बार आया था उसको बहुत दिन से नहीं आया है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंपल, यहाँ पर आप देख पाए ये अदर सर्वर पे गाइस, यहाँ पर से ईवो जो रिटर्न पे आया वही इंक्यूबेटर पे है। आप लोग पता है यहाँ पर से फ्री फायर के अंदर जो हम लोग इंडियन सर्वर है इसमें इंक्यूबेटर को हटा के अब हम लोग को डाल दें यहाँ पर से रिंग इवेंट। तो रिंग इवेंट पे हम लोगों के ये आइटम्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, सारा का सारा आइटम्स आप लोगों को रिंग इवेंट पे रिटर्न पे देखने के लिए मिल जाएगी। और गाइस जिसका कंफर्म डेट अगर पूछो तो कंफर्म डेट पता नहीं गाइस, लेकिन ये सारा का सारा आइटम जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ये सारा का सारा आइटम एक बाय एक करके, वन बाय वन करके गाइस आप लोगों को यहाँ पर रिंग इवेंट पे देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि पहले जो भी आइटम हम लोग को मिलता था यहाँ पर से इनक्यूबेटर पे, अब वो सारा का सारा इवेंट गरीना वाला रिंग इवेंट पे ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि रिंग इवेंट पे निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा आसानी होती है, क्योंकि इनक्यूबेटर में ऐसा होता है गाइस कि उसका एवोल्यूशन स्टोन निकालो फिर ब्लूप्रिंट निकालो फिर बहुत ज्यादा डैमेज लगता था। इसी के वजह से गाइस हमारे सर्वर से इनक्यूबेटर यहां पर से खत्म कर दिया, लेकिन लोगों को यहां पर से बहुत सारे लोग लगता है इनक्यूबेटर हटा के इसने गलत किया है, लेकिन सही किया कि रिंग इवेंट आपको बहुत ही इजीली निकल जाता है। और भाई इसमें आप लोगों को उसमें ज्यादा डैमेज लगाना पड़ता था। उसके बाद मेरे भी आप लोगों को मिलेगा यहां पर लैम्बोर्गिनी की ये वाली स्किन फिर से रिटर्न, वो भी यहां पर रिंग वाले इवेंट पे। और आप लोगों को पता होगा ये इवेंट हमारे गेम के अंदर 6 महीने या फिर 8 महीने से रिटर्न पे नहीं आया, क्योंकि इस वाली कार की स्क्रीन लैम्बोर्गिनी इसमें सब में आपको यहाँ पर से जो एट्रीब्यूट्स है उसमें मिल जाते हैं, टॉप स्पीड सिंगल डैमेज इस टाइप का यहाँ पर से आपको एट्रीब्यूट्स देखने के लिए मिल जाती है। तो सारा का सारा चारों गन की स्किन जो भी बहुत जल्द आप लोगों को रिटर्न पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोग अपना पैकेट को थोड़ा सा टाइट रखना गाइस, इस चीज़ को निकालना चाहते हो एंड लगे हथ गाइस। आप लोग अगर थोड़ा सा पुराने प्लेयर हो तो आप लोगों को पता होगा कि ब्लू आर्कटिक बंडल का हमारे इंडियन सर्वर पे क्या क्रेज था, क्या इसका भाई डिमांड था उस टाइम पे। अब तो गाइस ये बहुत पार दे चुका है, इसके वजह से इसका डिमांडिंग थोड़ा सा कम हो चुका है गाइस, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड था एक टाइम पे। इस चीज़ को लेने के लिए पब्लिक भाई बहुत लंबे टाइम तक वेट करता है। एंड गाइस फाइनली 10 जून को गाइस आप लोगों को फ्री फायर के अंदर ये वाला बंडल फिर से रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ उसके लेफ्ट साइड पर आप देख पा रहे एक और बंडल भी आप लोगों को कॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बंडल भी एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा शानदार था। एंड गाइस आप लोग कमेंट पे बताना भाई कि क्या ब्लू आर्कटिक का बंडल अभी भी मार्केटिंग में उस टाइप का वैल्यू है या फिर नहीं है।